देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कल पीएम मोदी की रैली, फिरोजाबाद रैली कैंसल हो गई। कैंसल क्यों हुई? क्योंकि एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई। क्योंकि सबसे पहले जब मोदी जी भटिंडा एयरपोर्ट पे उतरे और वहां से ही प्लान था कि वो विजिट करेंगे मार्टियर्स मेमोरियल इन हुसैनवाला और फिर वो जाके उनकी रैली, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और रैली करना इंडिया में कितना इंपॉर्टेंट है वो तो आप और हम जानते ही हैं। तो प्लान सिंपल था कि जैसे ही लैंड हो भटिंडा में, वहां से एक चॉपर लेके, यानी कि हेलीकॉप्टर लेके हुसैनवाला जाना है। पर वेदर कंडीशन सही नहीं थी, रेन, बारिश। अब देखिए, नेचर के आगे तो कोई भी, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, तो इंसान क्या चीज़ है। पर फिर भी प्लान ये था कि वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके रैली तक जाना है, पर क्योंकि वेदर सही नहीं था तो रैली तक वो नहीं जा पाए बाय चॉपर। तो अब दूसरा रास्ता क्या है? तो दूसरा रास्ता ये था कि बाय कार विथ सिक्योरिटी मोदी जी को ले जाया जाए वहाँ रैली तक। तो जब पंजाब की पुलिस ने ये कन्फर्म किया और वहाँ के बेस्ट कॉप्स ने कहा कि हम सिक्योरिटी के साथ मोदी जी को ले जाएंगे रैली तक और चिंता की कोई बात नहीं है, तो जब मोदी जी 30 किलोमीटर दूर थे मेमोरियल से, तब वो एक ब्रिज पे स्टक हो गए। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्टर्स ने ब्रिज के आगे का रास्ता ब्लॉक कर दिया और 15-20 मिनट स्टक होने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि उन्हें वापस भटिंडा एयरपोर्ट चले जाना चाहिए और फिर रैली कैंसिल करने का तय किया। अब सेंट्रल मिनिस्ट्री और होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जब ऑलरेडी आपको पहले से प्लान कहा गया था स्टेट गवर्नमेंट को, तो उन्होंने क्यों ध्यान नहीं रखा। देखिए, 500 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए, यस ध्यान से सुनिए, 500 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स के खर्च होते हैं इंडिया के सारे वीआईपी लोगों के प्रोटेक्शन के लिए। और 500 करोड़ रुपए अगर हम एक व्यक्ति या कई मिनिस्टर्स पे खर्च कर रहे हैं और फिर भी उनकी सिक्योरिटी हम ना दे पाए, तो ये एज अ नेशन हमारा फेलियर है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे मोदी जी को कुछ हुआ नहीं और रैलियाँ तो भविष्य में और भी कर लेंगे, पर मेन कंसर्न इज़ कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। और अगला वीडियो अब मैं ये बना रहा हूँ कि पास्ट में हम 3 बड़े प्राइम मिनिस्टर्स और एक बहुत बड़े लीडर खो चुके हैं और आज हम देश के इतने बड़े नेता को नहीं खोना चाहते। और आज के लिए दुर्घटना टल गई और चिंता की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। ओके, उसी के साथ आज का वीडियो समाप्त। नमस्ते।